हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है अदिति और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? मैंने आज से 3-4 दिन पहले फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, उनको इंग्लिश में कैसे यूज़ किया जाता है और उनको लेकर सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। और उस वीडियो पर आपका रिस्पांस देखने के बाद मैं आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आ गई हूँ फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर, जिसमें हम अनदर सेट ऑफ 10 फ्रेजल वर्ब्स सीखेंगे। मैं आपको सिर्फ इनके हिंदी और इंग्लिश में मतलब ही नहीं बताऊंगी, बल्कि साथ साथ इनके एग्जांपल्स भी दूंगी। मतलब हर एक फ्रेजल वर्ब को लेकर मैं आपको दो दो सेंटेंसेस बनाकर दिखाऊंगी, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बार बता देती हूँ कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं। गाइस, जैसे हम सबको पता है कि वर्ब होती है क्रिया, मतलब जो कोई भी काम हम करते हैं, उठना, बैठना, खाना पीना, नाचना गाना, ये सब हैं वर्ब्स। तो जब एक वर्ब को एक प्रेपोजिशन यानी कि इन, ऑन, एट, अबव, अंडर, ये सब है प्रेपोजिशंस। जब एक वर्ब को एक प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब के साथ जोड़ दिया जाए, मतलब दो तीन वर्ड्स आपस में जोड़ दिया जाए, कलेक्शन बना दिया जाए उनका, और उस वर्ब का मतलब बिल्कुल ही बदल जाए, चेंज हो जाए, तो वो वर्ब बन जाती है एक फ्रेजल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, स्पीक का मतलब होता है बोलना और अप का मतलब होता है ऊपर। और जब हम स्पीक और अप को आपस में जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो ये बन जाता है स्पीक अप, जिसका मतलब है जोर से बोलना। ये है एक फ्रेजल वर्ब। इसी तरीके की आज हम फ्रेजल वर्ब्स इस वीडियो में सीखने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। और हाँ, अगर आप इसका फर्स्ट वाला पार्ट देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का लेसन और देखते हैं कि आज के 10 फ्रेजल वर्ब्स कौन से हैं। आज का पहला फ्रेजल वर्ब है फिगर आउट, जिसका मतलब होता है हिसाब लगाना या फिर समझना। और यहाँ पर ये जो फिगर है गाइस, ये वर्ब है जो कि सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदल भी सकता है अपनी फॉर्म को, जैसे कि फिगर्स, फिगरिंग, फिगर्ड। एग्जाम्पल देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी। आई कांट फिगर आउट व्हाई यू लेफ्ट योर जॉब। आई कांट फिगर आउट व्हाई यू लेफ्ट योर जॉब। एक और एग्जाम्पल देखिए, अब मुझे सब समझ आ गया। नाउ आई हैव फिगर्ड आउट एवरीथिंग। नाउ आई हैव फिगर्ड आउट एवरीथिंग। ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसलिए यहाँ पर हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। फिगर की थर्ड फॉर्म, जो ये फिगर वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है फिगर्ड, इसलिए यहाँ पर हमने फिगर को ईडी लगाकर यूज किया है, फिगर्ड। नेक्स्ट वाला फ्रेजल वर्ब है फॉल फॉर, जिसका मतलब होता है आकर्षित होना, प्यार में पड़ना या फिर विश्वास कर लेना। और यहाँ पर ये फॉल भी अपनी फॉर्म चेंज करता रहेगा सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि फॉल्स, फेल, फॉलन, फॉलिंग। एग्जाम्पल देखिए, उसकी नौटंकी पर विश्वास मत कर लेना। डोंट फॉल फॉर हर ड्रामा। डोंट फॉल फॉर हर ड्रामा। एक और एग्जाम्पल देखिए, आपने कई बार लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना होगा कि मैं उसके प्यार में पड़ रहा हूँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई एम फॉलिंग फॉर हर। आई एम फॉलिंग फॉर हर। फॉल फॉर मतलब प्यार में पड़ना या फिर विश्वास कर लेना। थर्ड फ्रेजल वर्ब है स्टैंड बाय, जिसका मतलब होता है साथ निभाना, समर्थन करना या फिर मदद करना। और ये स्टैंड भी अपनी फॉर्म चेंज करता रहेगा सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस के, जैसे कि स्टैंड्स, स्टूड, स्टैंडिंग। एग्जाम्पल देखिए, मेरे भाई ने हमेशा मेरा साथ निभाया। माई ब्रदर ऑलवेज स्टूड बाई मी। माई ब्रदर ऑलवेज स्टूड बाई मी। एक और एग्जाम्पल देखिए, हम हमेशा अपने देश के साथ खड़े रहेंगे। वी विल ऑलवेज स्टैंड बाई आर कंट्री। वी विल ऑलवेज स्टैंड बाई आर कंट्री। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पे फॉर, जिसका मतलब होता है भुगतान करना या फिर हिसाब चुकाना। और ये पे भी अपनी फॉर्म चेंज कर सकता है, जैसे कि पेज, पेड, पेइंग। एग्जाम्पल देखिए,
अब तुम्हें इसका हिसाब चुकाना होगा। Now you have to pay for it. Now you have to pay for it. एक और एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारी गलती का भुगतान हम कर रहे हैं। We are paying for your mistake. We are paying for your mistake. Next phrasal verb है speak up, जिसका मतलब होता है जोर से बोलना। और ये speak भी अपनी form चेंज करता रहेगा sentence के subject और tense के according, जैसे कि speaks, spoke, spoken, speaking. Example देखिए, क्या आप थोड़ा जोर से बोल सकते हैं? Could you please speak up a little? Could you please speak up a little? एक और example देखिए, अब तुम जोर से क्यों नहीं बोल रहे? Why are you not speaking up now? Why are you not speaking up now? Next phrasal verb है stick to, जिसका मतलब होता है एक ही बात पे डटे रहना, या फिर कायम रहना, या फिर अड़े रहना। और ये stick भी अपनी form चेंज कर सकता है, जैसे कि sticks, stuck, sticking. Example देखिए, हमेशा अपने लक्ष्य पर डटे रहो। Always stick to your goals. Always stick to your goals. Second example है, वो एक ही बात पर अड़ी रही या कायम रही। She stuck to one thing. She stuck to one thing. Next वाला है fool around, जिसका मतलब होता है समय गवाना या समय बर्बाद करना। और ये फूल भी वर्ब है जो कि बदल सकता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि फूल्स, फूल्ड, फूलिंग। एग्जाम्पल देखिए, अब उसे और समय नहीं गवाना चाहिए। नाउ ही शुड नॉट फूल अराउंड एनी मोर। नाउ ही शुड नॉट फूल अराउंड एनी मोर। सेकेंड एग्जाम्पल है, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? वाई आर यू फूलिंग अराउंड? Why are you fooling around? Next वाला है cut down on, जिसका मतलब होता है कटौती करना या कमी करना। और ये जो cut है यहाँ पर, ये भी verb है जो कि sentence के subject और tense के according बदल सकता है अपनी form को, जैसे कि cuts, cut, cutting. एक बात का ध्यान रखिएगा कि cut की past form भी cut ही होती है, cutted नहीं होती। Example देखिए, डॉक्टर ने उसे मीठे खाने पर कटौती करने को कहा है, या फिर डॉक्टर ने उसे मीठे खाने पर कमी करने को कहा है, मात्रा कम करने को कहा है। द डॉक्टर आस्क्ड हिम टू कट डाउन ऑन शुगर। द डॉक्टर आस्क्ड हिम टू कट डाउन ऑन शुगर। एक और एग्जांपल देखिए, मैं अपने खर्चों पर कटौती कर रही हूँ, मतलब कमी कर रही हूँ। आई एम कटिंग डाउन ऑन माई एक्सपेंसेस। I am cutting down on my expenses. Expenses का मतलब होता है खर्चे। Next वाला है ward off, जिसका मतलब होता है से बचना या फिर टालना। और ये ward भी verb है जो कि अपनी form change करता रहेगा, जैसे कि wards, warded, warding. Example देखिए, धूप से बचने के लिए छाता ले जाओ। Take the umbrella to ward off the sun. Take the umbrella to ward off the sun. सर्दियों में मैं ठंड से बचने के लिए गुनगुना पानी पीती हूँ। I take lukewarm water to ward off the cold in winters. I take lukewarm water to ward off the cold in winters. Lukewarm water का मतलब है गुनगुना पानी, मतलब हल्का गर्म पानी। Last वाला है bump into, जिसका मतलब होता है टकराना या फिर अचानक मुलाकात होना। और ये बम्प भी अपनी फॉर्म चेंज करता रहेगा सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि बंस, बम्प्ड, बम्पिंग। एग्जांपल देखिए, मेरी अपने दोस्त से बाजार में मुलाकात हो गई। आई बम्प्ड इनटू माय फ्रेंड इन द मार्केट। आई बम्प्ड इनटू माय फ्रेंड इन द मार्केट, मतलब मेरी अपने दोस्त से बाजार में अचानक मुलाकात हो गई। एक और एग्जाम्पल देखिए, दोनों गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं, मतलब आपस में उनकी भिड़ंत हो गई, टकरा गई दोनों। Both the cars bumped into each other. Both the cars bumped into each other. तो देखा आपने, यहाँ पर bump के दो अलग अलग यूज हैं और एक phrasal verb के एक से ज्यादा यूज भी हो सकते हैं। So guys, ये थे आज के 10 phrasal verbs with examples. अब वक्त है आपका अपनी लर्निंग को टेस्ट करने का, ये पता करने का कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा। तो आपकी स्क्रीन पर जो ये 3 सेंटेंसेस हैं,
उन्हीं फ्रेजल वर्ब्स पर बेस्ड हैं ये जो आपने अभी अभी सीखे। इनको ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में, बताइए मुझे कि किस वाले सेंटेंस में किस वाले फ्रेजल वर्ब का यूज़ होगा। कमेंट कीजिएगा अपना आंसर ज़रूर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे जब भी मैं नई वीडियो डालूंगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।